बिजांस पंचायत के वार्ड नंबर 14 में। और यहाँ पे जानते हैं ग्रामीणों से यहाँ वार्ड की क्या समस्या है। आप यहाँ पे? मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ जी। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस जी। अभी वर्तमान में मुखिया यहाँ से? जी वर्तमान में मुखिया हूँ जी। जी इतना सर बाढ़ का सर पानी लगा हुआ है घर में और सर इधर मेरे पंचायत में बाढ़ का स्थिति लगभग डेढ़ महीना पूर्व से जो पोजीशन है डेढ़ महीना पूर्व से बना हुआ है जी। इससे पहले पंकज कुमार अंचलाधिकारी सरैया जी आए थे, आकर के भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद जी उन्होंने वही लगभग 150 पन्नी का बंटवारा विस्थापित लोगों को हुआ जी। इसके अलावा जो है कि लगभग यहाँ पर 1000 पन्नी का मैंने प्लास्टिक उसको पन्नी दिया था, लेकिन उसको कहा जाता है तिरपाल। यहाँ का जनसंख्या जो है की यहाँ पर लगभग 18,000 जनसंख्या है। यहाँ पर जो मतदाता जो है वोटर जो वयस्क मतदाता का संख्या यहाँ पर 8,000 है जी। और यहाँ पर जो है डेढ़ सौ त्रिपाल बांटा गया। उसके बाद जो है की कुछ अंचलाधिकारी सरैया के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ जी, जी। जिसके चलते वह लंबी छुट्टी पर चले गए हैं जी। अभी जो तत्काल में कल जो है कि अंचलाधिकारी पारू प्रभार लिए हैं सरैया का जी। अब देखिए क्या करते हैं। आज उनका जो है कि फिर यहाँ दौरा था, जो हम लोगों को जानकारी हुआ, हम लोगों से बात भी हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम 17 तारीख को हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे, जिसमें सबसे प्रभावित गिंजास होता है। और गिंजास के दहने के बाद ही उसके बाद में आपको बल्ली हो गया, विश्वनाथ हो गया, खैरा हुआ, और उसके बाद में आपसे कह दें ये रुकौली हो गया, आपको चकना है, ये सब बाढ़ प्रभावित होता है। और लगभग जैसा सुनने में हमको आ रहा है और उस जगह देखा भी हो तो वहाँ भी बाढ़ प्रभावित है, लेकिन सबसे बुरा हाल गिंजास का है। इसलिए कि बाया और झाझा नदी से घिरा हुआ पंचायत है, लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा पंचायत बनता है ये। और जब भी बाया और झाझा का जब पांच जलस्तर ऊंचा होगा तो इसमें पानी आना शुरू हो जाता है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित जहाँ पे है वहाँ पे समुदाय किचन बनाया जाए, और जो जो जिसके कारण मतलब मवेशी जो है वो भी दौड़ रहा है उसका भूसा का चारा का व्यवस्था किया जाए, यहाँ पे कुछ हुआ है? नीतीश कुमार का ऐलान ना है, कार्य अगर उनका सही ऐलान है तो कार्य करना तो जो पदाधिकारी गण का है, कर्मचारी गण का है, तो उसको अमली जामा पहनाना तो इन लोगों का काम है। अब क्या होता है, अभी तक तो जो है कि यहाँ पर किचन चलना चाहिए था, लगभग 1.5 महीना से यहाँ शुरू हो जाना चाहिए था, जो अभी तक कुछ नहीं है। या नाव का भी व्यवस्था होना चाहिए था, अभी तक कुछ नहीं है। हर साल जो है कि जो बाढ़ था उसमें जो है कि यहाँ पर 3587 आदमी का सूची अनुसरण समिति ग्राम पंचायत राज गिंजास उनको प्रखंड अंचल कार्यालय को सौंपा, जिसमें से जो है कि लगभग 2000 परिवार को जो है कि बाढ़ राहत का पैसा मिला, बाकी अभी 1500 कुछ जो है कि यहाँ के आपके ये परिवार है जो उस पैसा से वंचित है। हमने जो है कि यहाँ अंचलाधिकारी से लेकर के SDO से लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर के DM के यहाँ भी हम लोग गए, सब दूसरे लोग एक दूसरे के मात्र अपना खेपते गए। लास्ट में हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में केस किया, केस करने के बाद में हम लोग को डिग्री मिली। डिग्री मिले हुए भी वो कहा है कोर्ट की भाई की 2.5 महीना के अंदर में आप जो है कि बचे हुए परिवार को पैसा पेमेंट कीजिए, लेकिन आज तक जो है कि कोई पैसा पेमेंट हुआ नहीं है। जो अवधि है अवधि खत्म होगा फिर मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, मैं पैसा तो छोड़ूंगा नहीं, मेरा जेन्यून पैसा है, मेरे पब्लिक का है। नीतीश कुमार जो दावा करते हैं कि एक भी बाढ़ पीड़ित को मतलब छूटना नहीं चाहिए, वो सब मतलब सरकार कहाँ पर कौन दावा फेल नहीं हुआ सरकार का? तो सब दवा सर फेल ही लग रहा है आपके बात से सर? सब दवा फेल है, क्या फेल है, कुछ नहीं है, सब कागज पर काम मतलब दिखाया जाता है। आज मुखिया को तो और पंचायती राज को तो नीतीश कुमार भंग कर दिया, बर्बाद कर दिया पंचायती राज। सर आइए थोड़ा दिखा दीजिए, उधर देखते हैं घर डूबा हुआ है। आप देखिए देखने का चीज है। आपका नाम क्या हुआ? नरेश प्रसाद यादव जी। आप यही पंचायत के हैं जी? वार्ड नंबर कितना हुआ? 11। आपका भी सर पानी को ही हाल होगा, पूरा पानी भरा हुआ पूरे पंचायत का। सरकारी सहायता नहीं मिला अभी तक? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये देख लीजिए नीतीश जी, आप बोलते हैं कि पूरे मतलब बाढ़ पीड़ितों को सब चीज मुहैया कराया जा रहा है, मतलब समुदाय किचन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पन्नी भी वितरण नहीं हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पन्नी भी भेजा था, कचरा पन्नी पे लौटवा दिया जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से घर डूबा हुआ है, पूरे
पूरे मतलब आने जाने में भी लोगों की दिक्कत हो रही है। क्या बाबा साइकिल फंस गया क्या? ना बाबू फंस गया ना, गिट्टी टूट गया है, इसलिए असुविधा है जी। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण के आम जनता को आने जाने में कितना परेशानी सामना करना पड़ रहा है।